बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं मुर्तजा डार। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और इस ख़तरे के पेश नज़र बहुत सारे इकदाम हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन पीटीआई की जानिब से या उनकी टीम की जानिब से कर लिए गए हैं। ये ख़तरा कितना संगीन है और इसमें कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और ख़तरा काफ़ी महीनों से चलता आ रहा है, एक तो इसकी बात करेंगे। आज दूसरी बात हम ये करेंगे कि इसके पीछे जो बड़ी रीज़न कही जा रही है वो सियासी सूरत हाल है। मैंने आज रिक्वेस्ट की, मदु किया मुजीबुर्रहमान शामी साहब को इस हवाले से। पाकिस्तान के सहाफती मंजरनामे पे एक बड़ा नाम है। वेलकम टू द शो शामी साहब। सर, सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस चीज़ से करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, ये इतलात कुछ महीनों से गर्दिश कर रही हैं। रिसेंटली फिर जो है वो मामला थोड़े फ्लेयर अप हो चुके हैं, इस हवाले से कई थ्रेट अलर्ट भी ऑलरेडी मौजूद हैं। आपके ख्याल से सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं एक बड़े लीडर हैं, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, बड़ी सियासी जमात के सरबरा हैं, उनकी हिफाजत की जानी चाहिए, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम होनी चाहिए। वही सिक्योरिटी जो वज़ीर आज़म को दी जाती है या सदर मुल्क को दी जाती है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। इमरान खान साहब को ख़ुद भी कोऑपरेट करना चाहिए अपने सिक्योरिटी लोगों से, और सिक्योरिटी जो है उसको भी मुस्तैद होना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी कोई नागवार सूरत हाल पैदा ना हो। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनकी हिफाजत करे और पाकिस्तान की भी हिफाजत करे। अच्छा शामी साहब, एक बड़ा अजीब सा सवाल है, कंसर्न है, लेकिन वो है। सोशल मीडिया में भी इसका बहुत जिक्र हो रहा है, बहुत सारे हलकों में भी इसको डिस्कस किया जाता है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही नाम है, एक ही चेहरा है, वो है इमरान खान का। तो जो लोग उनकी जान के पीछे पड़े हैं, जो उनके दर पे हैं, वो चाहते ये हैं या उनका ऑब्जेक्टिव ये है या उनका प्लान ये है कि इमरान खान साहब को रस्ते से हटा दिया जाए। यानी दूसरा मतलब ये कि इमरान खान रस्ते से हटे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी पूरी की पूरी जमात है वो रस्ते से हट जाती है। तो एक शख्स को अगर जहाँ भाग कर दिया जाए, मार दिया जाए, जिस किस्म के कंसर्न जो हैं वो रेज़ किए जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं बदशगुनी जो है उसमें नहीं जाता ना उसको डिस्कस करता हूँ। मैं इस तसव्वुर से दहल जाता हूँ कि किसी की ज़िंदगी के बारे में मैं इस तरह की तज्जिया करूँ और ख्यालात का इज़हार करूँ। मैंने सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी उम्र दराज करे और पाकिस्तान पर रहम करे। अच्छा सर, एक और सवाल ये कि अब जो भी मामलात हैं, इन मामलात में जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके मखदूश होने में तो कोई दूसरी राय है नहीं। इस मखदूश सूरत हाल में जो चीज़ हमारे सामने हैं, हम उसको देख रहे हैं, जितने कंसर्न लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कंसर्न क्वार्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि आमने सामने हैं, एक कशीदगी की सूरत हाल है। अब इस कशीदगी की सूरत हाल के बारे में एक नुक्ता नज़र ये है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जेन्युइन है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही तय कर रखा है कि हमने इस खेल को खेलना कैसे है। जो कुछ भी हो रहा है ये उसके मुख्तलिफ सीन्स हैं, जिस सीन्स की हमारे सामने झलक नज़र आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। खेल पहले तय हो चुका है, सेट हो चुका है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो अपनी अपनी थ्योरीज है ना, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ थ्योरीज बयान करते रहते हैं, साक्ष्य ढूंढते रहते हैं, अंदाजे लगाते रहते हैं, लेकिन हमें जो गरज है कि जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो दस्तूर के दायरे में होनी चाहिए, और अभी तक जो कुछ हो रहा है ये जो भी खेल खेला जा रहा है दस्तूर के दायरे में खेला जा रहा है, तो अभी कोई फॉल प्ले नहीं हुआ इस तरीके से। इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा है, लेकिन उनके मुखालिफों ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है, और इमरान खान साहब भी जो मुतालबा कर रहे हैं वो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, और ये भी कोई गलत मुतालबा नहीं है या कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। तो अगर इंतखाबात जो हैं उनके ज़रिए मसला हल होता है तो उन्हें हक हो जाना चाहिए, और दोनों पार्टियाँ जो हैं उनको सर जोड़कर बैठना चाहिए, एक दूसरे को एतमाद में लेना चाहिए, इंतखाबात के इंतजाम बेहतर करने चाहिए, तभी तो रास्ता निकलेगा ना, तभी तो जो जज्बात हैं ठंडे पड़ेंगे। वगरना अगर इंतखाबात हो भी जाएं, आप उन पर भी धमा चौकड़ी मचाएंगे, उन पर भी इल्ज़ाम लगाएंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा? तो बहरहाल जो भी दोनों जमातें हैं या दोनों ग्रुप जो हैं या दोनों धड़े जो हैं उनको दस्तूर की बालादस्ती को यकीनी बनाना चाहिए, इसी में उनका भला है और इसी में हमारा भला है।
बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मुजीबुर रहमान शामी साहब। आपने वक्त निकाला, पाकिस्तान के सहाफती मंजरनामे का एक बड़ा नाम है, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, हालात हाजरा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।